डुप्लीकेट फोल्डर। अब इसको इतना इसको बैंड करके देते कितना टूटेगा, ये देखिए ये टूट गया, इतना बैंड कर दिया इसको, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपके लिए लेके हैं तीन प्रकार के डिस्प्ले, इनसेल, ओएलईडी और पेपर डिस्प्ले। इनमें क्या फ़र्क है, ऊपर से देखने में तीनों एक जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपसे दुकानदार पूछता है कि सर कौन सी एलसीडी डालें, इनसेल या ओएलईडी, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन सी डलवानी चाहिए और कौन सी बेटर है हमारे लिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये डिस्प्ले है इनसेल और ये डिस्प्ले है ओएलईडी और ये डिस्प्ले है पेपर डिस्प्ले। तीनों देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। इनसेल डिस्प्ले जो कि नॉर्मल फ़ोनों के अंदर यूज़ की जाती है, यह डिस्प्ले ज़्यादातर अंडर 15,000 के अंदर अंदर जो मॉडल आती है उनके अंदर यूज होती है। इनको LCD डिस्प्ले भी बोला जाता है, और इनके बोलने का एक रीज़न क्या है ये भी आपको बताते हैं। अब दिखाते हैं आपको पूरा डिस्प्ले का प्रोसेस, खोल के दिखाते हैं डिस्प्ले के अंदर इसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई है। ये वाली डिस्प्ले है, ये नॉर्मल ग्लास दिया जाता है इसके ऊपर, और इसके अंदर है ये चीज, ये इसकी ऊपर ग्लास है, इसके अंदर टच और डिस्प्ले, ये वाला जो पीछे ये वाला पार्ट है जो इसके अंदर ये डिस्प्ले है और ये टच है, ठीक है। और अगर इसको डिस्प्ले को सीधा ऐसे लगा दिया जाए फोन के अंदर तो ये काम करेगी, लेकिन इसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं आएगी। और इसकी लाइटिंग के लिए, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस के लिए, इसके अंदर टेक्निक यूज की गई है ये वाली, ये यहाँ से पता टूट गया है, यहाँ से ये जो डिस्प्ले के अंदर लाइट जाती है उसका कनेक्शन दिया गया, ये यहाँ से जाता है। और इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं, एक ये देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड और ये इसको कवर करने के लिए तीन लेयर होगी ये, और एक ये लेयर होगी इसके अंदर, और इसके अंदर लगी होती है ये LCD। फोन की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ब्राइटनेस देने के लिए इनसेल फोल्डर के अंदर ये वाली लाइट दी जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये है कि ये जो लाइट है ये बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करती है, बैटरी ज़्यादा पीती है, इससे फ़ोन का बैकअप थोड़ा कम देगा इस फोल्डर से। और ये फोल्डर ज़्यादातर यूज होते हैं छोटे मॉडल्स के अंदर, और ये थोड़ी डिस्प्ले सस्ती डिस्प्ले होती है, इसलिए फ़ोन जो सस्ते फ़ोन आते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा यूज की जाती है। और इसके बाद आती है हमारी डिस्प्ले OLED डिस्प्ले, उसके बारे में बताते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद आती है OLED डिस्प्ले। अब इसमें क्या है, इसको पूरा खोल के दिखाते हैं आपको। इसके अंदर ये इसको कनेक्ट करने के लिए पत्ता दिया गया है, ये इसका पत्ता है, और इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ये है डिस्प्ले, ये एक नॉर्मल डिस्प्ले है। इसमें ये ग्लास दिया गया है, और इसका लाइटिंग का काम जो ये वाला पैनल है ये करता है। OLED फोल्डर और इनसेल फोल्डर में क्या है कि ये जो फोल्डर होता है, इनसेल फोल्डर होता है, इसकी लाइटिंग और इन पत्तों की वजह से थोड़ा मोटा फोल्डर होता है। इनसेल फोल्डर फ़ोन को थोड़ा मोटा बना देता है, ये जो OLED फोल्डर है ये थोड़ा स्लिम फोल्डर होता है इसका और उसका, देख देख के कंपेयर कर सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा पतला फोल्डर है। जिन फोन्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर फिंगर दिया जाता है उनके अंदर ज़्यादातर OLED डिस्प्ले ही यूज़ की जाती है। अब उसके लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो ये आपको हल्का से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बैक साइड लाइट मारेंगे तो उसको आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुकिए, अब देखिए ये दिखाई दे रहा है, और ये और एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए हल्का सा देखिए, ये जो है ये जो भी मॉडल है जिसके अंदर फिंगर डिस्प्ले के अंदर फिंगर होता है उसके अंदर OLED फोल्डर यूज होता है, और फिंगर्स के लिए ये वाला गैप होता है, यहाँ पे फिंगर अपना काम करता है, ये वाली जगह बनी होती है जहाँ पर फिंगर लगा होता है। अब आती है बारी अपनी पेपर डिस्प्ले की, इसको मैंने पहले ही अलग कर दिया था। अब पेपर डिस्प्ले के अंदर क्या है कि ये फोल्डर और OLED फोल्डर इनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, और जो इनसेल की फोल्डर जो इनसेल फोल्डर की क्वालिटी है वो थोड़ी अलग होती है। इनसेल फोल्डर के अंदर क्या है कि ये जो ये ऐसे होता है कि जैसे अपने इसको बाहर धूप के अंदर लेके जाएंगे तो इसकी अपने को पूरा अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, मेन चीज़ तो ये होती है। और दूसरा होता है कि OLED फोल्डर जैसे ही अपने धूप के अंदर बाहर लेके जाते हैं तो वो उसमें फुल क्लियर दिखाई देता है,
इन दोनों के अंदर एक जबरदस्त फर्क बताता हूँ आपको। होता है क्या, ये OLED डिस्प्ले है, क्वालिटी दोनों की सेम है, पेपर डिस्प्ले और इसकी क्वालिटी बिल्कुल एकदम सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब अगर अपना फ़ोन गिरता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है, ग्लास क्वालिटी है, बहुत ही सॉलिड होती है, ठीक है। ये गिरने से ये ग्लास नहीं टूटेगा इसका ऊपर वाला, और इसका क्या होता है कि इसकी डिस्प्ले टूट जाती है अंदर से। जिन मॉडलों के अंदर OLED फोल्डर लगा होता है, उन फोल्डरों के अंदर क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं देगा, ये ऊपर से ग्लास एकदम परफेक्ट लगेगा कि ये टूटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये वाला फोल्डर है, यहाँ पे हल्का सा भी इसके अंदर क्रैक आ गया तो ये फोल्ड डिस्प्ले बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, अब उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जो इन सेल फोल्डर होता है, इन फोल्डरों के अंदर क्या होता है, इन फोल्डरों के अंदर क्या आता है, अगर ये गिरेगा तो इसकी डिस्प्ले अंदर से नहीं टूटेगी, अंदर से ऊपर से टूट जाएगा, ये अंदर से टूटेगा, ऊपर से टूटने से डिस्प्ले फिर भी काम करती रहेगी, आपको आपको सब कुछ दिखाई देता रहेगा। ये बहुत रेयर चांस, और बहुत ही गंदे तरीके से गिरे तो उसके बाद ये अंदर से डिस्प्ले जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये डिस्प्ले क्या है कि टूटने के बाद भी काम करती है, लेकिन जो ये वाली डिस्प्ले है ये ऊपर से कभी नहीं टूटेगी, ये अंदर से ही टूटती है, अंदर से टूटती है। ये देखिए, ये हल्का सा क्रैक हुआ ऐसे तो ये टूट जाएगी। अब इसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसके बाद की गई है ये वाली पेपर डिस्प्ले। अब पेपर डिस्प्ले क्या है कि इसका उल्टा है, ये इनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोल्डर है पेपर डिस्प्ले वाला। अब इसमें क्या है कि ये इसके ऊपर भी ग्लास था जो मैंने अलग कर दिया है, अगर टूटेगा तो इसका ग्लास टूटेगा, अगर अगर ज़्यादा तो ग्लास की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, नॉर्मल से इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इसका टूटेगा तो ऊपर वाला ग्लास टूटेगा, अंदर इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे डिस्प्ले देखिए इस तरह से होती है, इसको कैसे भी घुमा लीजिए कैसे भी कर लीजिए, ज़्यादातर कर्व वाले फ़ोन के अंदर यूज़ होती है, लेकिन जैसे अब मॉडल आ रहे हैं सैमसंग के फ्लिप आ रहे हैं उनके अंदर भी इसी टाइप की डिस्प्ले यूज़ होती है, लेकिन ये नॉर्मल मॉडल के अंदर भी यूज होती है। ये जो मेरे पास है ये OnePlus का 10R का मॉडल है, नॉर्मल फ़ोन है, उसके अंदर ये यूज की गई है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, OLED भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, जो सेल फोल्डर है वो थोड़ा सस्ता होता है। उसको क्या है कि अगर इस तरीके से जितना भी मोड़ लें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ना टूटने वाली है, इसको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती रहेगी। अगर उसका टूटेगा तो ऊपर वाला ग्लास टूटेगा और इसको कुछ भी नहीं होगा, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। आप भी दिखाते हैं आपको, इसके अंदर ये देखिए, ये एक लेयर है इसकी फिल्म, इसको फिल्म बोलते हैं, और इसके अंदर लाइटिंग और ये सब काम इसके अंदर है। सेम टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन इसको पेपर डिस्प्ले बनाया गया है, और ये थोड़ी अच्छी भी डिस्प्ले होती है, लेकिन आजकल जो फोल्डर आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये टूटते नहीं हैं, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी ग्लास की क्वालिटी होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये देखिए, इसके अंदर भी ऐसे है, डिस्प्ले टूट गई है, लेकिन ये ऊपर वाला ग्लास को कुछ भी नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट पड़ा है। ये देखिए, इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये इतना बैंड कर दिया इसको, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, पूरा जोर लगा रखा मैंने इस पर, इसको फुल बैंड कर दिया, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज़ और बताता हूँ, ये वाला जो था ये ओरिजिनल फोल्डर था, और ये वाला फोल्डर है ये आफ्टर मार्केट, ये डुप्लीकेट फोल्डर। अब इसको इतना इसको बैंड करके देते कितना टूटेगा, ये देखिए ये टूट गया, ये देखिए बहुत हल्के से टूट गया। जो कहते हैं कि ओरिजिनल तो बहुत चला, लेकिन दोबारा हम डलवाया तो वो इतना चला नहीं है, बहुत जल्दी टूट गया ग्लास, हमने दुकानदार को बोलते हैं, क्योंकि दुकानदार के पास भी कुछ ऐसा कोई है नहीं है, क्योंकि उनके उनके पास भी ऐसे ही फोल्डर ग्लास आते हैं, तो आपको अगर ऊपर वाला ग्लास चेंज करवाते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती है जो अपने ओरिजिनल के अंदर होती है। तो दुकानदार अपने से पूछता है भी सर OLED डालें या फिर अपने इनसेल फोल्डर डालना, कौन सा डालना, OLED थोड़ा महंगा है और जो इनसेल है वो सस्ता है, तो कौन सा फोल्डर डालें। तो सीधी सी बात है सर, जो इनसेल फोल्डर हैं वो जो नॉर्मल मोबाइल आते हैं उनके अंदर इनसेल फोल्डर ही डला होता है, उसके अंदर OLED फोल्डर नहीं डलेगा, ठीक है। लेकिन कई मॉडल ऐसे होते हैं, जैसे ये सैमसंग के मॉडल हो गए, काफ़ी मॉडल है जिसके अंदर OLED फोल्डर लगा होता है, उनके अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर OLED फोल्डर भी आते हैं, इनसेल भी आते हैं, आप इनसेल भी डलवा सकते हैं उनके अंदर। अगर दुकानदार आपको बोल रहा है इनसेल फोल्डर डालना है या OLED डालना है, तो आप कोई भी डलवा सकते हो, इनसेल सस्ता पड़ेगा, OLED महंगा पड़ेगा, उनमें दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब आप बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।